कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। आज हम चर्चा करेंगे एक अहम मुद्दे पे जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ बातें हैं, कुछ बयान है जिसपे चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, आज देश दुनिया सभी की निगाहें विकासशील कहे जाने वाले विकसित देश भारत की तरफ है, जहां देश का गौरव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दूसरे की मदद करने वाला देश भारत आज गौरव बढ़ा भी रहा है, दूसरों की मदद भी कर रहा है। आत्मनिर्भर बनता भारत आयात कम निर्यात ज्यादा कर रहा है, हर एक क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। इन सबके बीच राहुल गांधी का लंदन दौरा चर्चा का विषय बन गया है। बीते दिन राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में शामिल हुए, जहां राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसते हुए बड़ा आरोप लगाया। भाजपा और प्रधानमंत्री की बुराई करते करते कब वो देश की छवि पर चोट पहुंचाने लग गए, शायद उसका अंदाजा उन्हें ही नहीं लगा। राहुल ने कहा कि चीन ने लद्दाख और डोकलाम में यूक्रेन जैसा हालात कर दिया है, लेकिन सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। राहुल ने कहा कि सरकार इस मामले पर बोलने से भी डरती है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा देश के ध्रुवीकरण का केरोसिन छिड़क रही है, बस आपको एक चिंगारी लगाने की जरूरत है, फिर देश खुद जलने लगेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष की लड़ाई सबसे पहले इसे रोकने की है। राहुल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में अभी लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है, भाजपा के लोगों ने संवैधानिक पदों पर कब्जा कर लिया है, सभी सरकारी संस्थानों में पीछे से लोगों की एंट्री दी जाती है, हम इन लोगों से लड़ रहे हैं। कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि हम लोगों के पास नहीं जा पा रहे हैं, हमें और अधिक आक्रामक रूप से उन 60 से 70 लोगों के पास जाने की जरूरत है। इस तरह के ही कई चीजें बोलते हुए राहुल गांधी नजर आए। लेकिन अगर कुछ पॉइंटर्स की बात करें, जो कि हम कह रहे हैं कि कब वो देश की बात करते करते कुछ अगर बात करें भाजपा की बुराई करते करते कब वो देश के ही मान को चोट पहुंचा गए, इसका पता नहीं चला। तो वो कुछ बातें इस प्रकार थी कि उन्होंने भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी, साथ ही साथ और भी कई दुखड़े रोते हुए नजर आए हैं, और उन दुखड़ों में कब उन्होंने अपने अंदरूनी विवाद का जिक्र कर दिया, अपनी कमियों को कब उन्होंने विश्व पटल पर रख दिया, इसका जवाब शायद लेने की जरूरत भी है कि आखिर इन सब चीजों की जरूरत क्या थी। राजनीति करिए, लेकिन देश के लिए विश्व पटल पर दो आवाजें क्या सही है? और इन्हीं सब चीजों पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, प्रोफेसर डीआर साहू जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जुड़े हैं। कांग्रेस हमारे साथ नहीं जुड़ पाई क्योंकि आज कांग्रेस के कई कार्यक्रम हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और इसी के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम है जिसमें कांग्रेस के सभी प्रवक्ता और नेता व्यस्त है, इस वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक जी आपके पास आते हैं। साहू जी, जिस तरह से ये बयान सामने आए हैं, विश्व पटल पे एक आवाज जानी चाहिए भारत की तरफ से, भले ही अंदरूनी विवाद कितने हो, कितनी ही पार्टियां हो, कितनी राजनीति हो, कितने मतभेद हो, लेकिन विश्व पटल पे एक आवाज जानी चाहिए, भारत की छवि सुधरनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के बयान सामने आए हैं उसको आप किस राजनीतिक रूप से देखते हैं? देखिए, ये डिबेट स्वाभाविक है क्योंकि भारत की एक अपोजिशन पार्टी जो एक समय में उनकी बोलबाला था, और जब से भारत ने अपना होश संभाला आज़ादी के बाद, इन लोगों की दबदबा भी था, और उस कांग्रेस पार्टी के जो अब नए पीढ़ी के साथ जब हम देखते हैं तो हमारे सामने राहुल गांधी एक नेता के रूप में उभर के आ रही, और उनकी लगातार आप देखेंगे 1984 के बाद, 84 मैं इसलिए कह रहा हूँ, 1984 के बाद आपने देखा होगा कि जो स्थिति है कांग्रेस की मतदान को देखते हुए किसी तरह से कोएलिशन पॉलिटिक्स और धीरे धीरे अपनी जो मजबूती को खो रहे थे, और कहीं ना कहीं कोएलिशन पॉलिटिक्स की वजह से वो सत्ता में आए। 2000 जब
आप देखेंगे राजीव गांधी के समय भी जब डेथ हुआ उसके बाद भी आप देखेंगे किसी तरह से सरकार बनाए जी। लेकिन आप कंटिन्यूसली एक डिक्लाइन एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हम देख सकते हैं। अब 2014 के बाद एक शार्प देखा जा रहा है कि ऑप्शंस एक वैक्यूम की तरह एक नई विकल्प के साथ कांग्रेस की भाजपा भारतीय जनता पार्टी अपने करिश्माई नेतृत्व कहिए या एफिशिएंट लीडरशिप कहिए संगठन आरएसएस की एक एक सांस्कृतिक संगठन किस तरह से मजबूती से काम कर रहा है उसके साथ 2014-2019 इनको हासिल हुआ। बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में आपको याद दिलाना चाहता हूँ जब अटल बिहारी जी यूएन के मीटिंग में गए थे उसमें वो हमारे समय यूपी सरकार भी थे उनको बताया गया था। तो कहने की मतलब है जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं हमारी बहुत सारी बातें होती है जो इंडिया जिसको कहते हैं कि भाई आइडियाज़ फॉर इंडिया और आइडियाज़ ऑफ इंडिया जो की बात करें आइडियाज़ फॉर इंडिया उसमें बातें ये होना चाहिए कि पॉलिटिकल जो आपकी अपोजिशन का जो फ्रस्ट्रेशन है या अपोजिशन की जो जो चीज़ें हैं जो आपकी मतदान उससे बात ना करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक कैसी महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में और एक युवा भारत और एक भारत जिसकी पोटेंशियल्स या जो दक्षता है जो क्षमता है उसकी तैयारी के साथ जैसे ऊर्जा के साथ आगे चल रहे हैं उनकी बात करनी चाहिए था। मेरा ये व्यक्तिगत राय है इसमें कोई पॉलिटिकल ओपिनियन में नहीं देना चाहता हूँ लेकिन ये क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक इंडियन डायस्पोरा जो भारत के लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे लोग एक संगठन करते हुए एक संगोष्ठी में इनको बुलाया गया है तो इसलिए बट इसमें ये बात मेरे हिसाब से ये एक ज़्यादा एक तरह से लगता है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन आपकी थोड़ी सी जो आप कर नहीं पा रहे हैं एक एक सफल विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं क्योंकि विपक्ष की भूमिका आप देखिए यूपीए सरकार के समय पे भारतीय जनता पार्टी किस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाए थे जी। आप उनको देखेंगे आप उनकी तरीके देखेंगे उनकी स्ट्रैटेजी देखेंगे उनकी डेमोन्स्ट्रेशन की प्रक्रिया देखेंगे वही सारे बातें अब अभी भी है ऐसा नहीं कि वही सारी बातें समस्या है जो विपक्ष उठा सकते हैं लेकिन वो बेहतर तरीके से उठाते थे और लोगों को आकर्षित करते थे उसके बाद वो सत्ता में आए। तो कहने की मतलब ये है कि ये जो अब उसके साथ जोड़ रहे हैं कि जो पोलराइजेशन है संस्थाओं की बर्बादी हो रहा है संस्था की कब्जा हो गया और किरोसिन डालेंगे तो कहीं पे भी हो जाए ये सारे बातें मेरे हिसाब से आउट ऑफ जिसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट आइडियाज़ फॉर इंडिया में होना चाहिए कि हमारे युवा वर्ग किस तरह से आगे जाएंगे किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम बेहतर कर सकते हैं कैसे हम भारत साउथ एशिया में अपने एक अपने शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आ रहा है किस तरह से हम बहुत सारे परिस्थितियों में कोविड की परेशानी पैंडेमिक की परेशानी इसके बावजूद भी भारत अभी मजबूत होके खड़ा हुआ है। तो मेरे कहना कई मुद्दे हैं और पहला मेरा ओपनिंग रिमार्क्स है और भारत ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। हरिश्चंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से घरेलू मुद्दे थे और विदेशी मंच था तो ये भी बात कही है राहुल गांधी ने कि आवाज दबा रही है बीजेपी तो क्या आवाज दबाई जा रही है यहाँ पे इसीलिए उन्होंने विदेशी मंच को चुना। नहीं अब मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमान राहुल गांधी जी भारत के अंदर तो अपने बोल वचन के कारण और जो उनकी नेतृत्व शैली है जी। उसके कारण तो मखौल के पात्र बनते ही बस निकल गए इतना ही नहीं उन्होंने अपनी पार्टी को भी एक मखौल सही बना दिया और अब उन्होंने जो फोरम चुना मैं बताऊंगा भी अपने को बखौल का पात्र बनाने लगे यार साहू साहब को की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी कि मैं ये समझ पाऊं कि वो क्या कह रहे थे लेकिन जितना मैं समझता हूं श्रीमान राहुल गांधी ने जो बाहर जाकर के ब्रिटेन में जाकर के और जिस तरह से उन्होंने भारत के बारे में अपनी बात रखी मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सतही और इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कि जो इस तरह की बात बाहर के मुल्कों में जाकर के और
एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के फोरम पे बात कहे कि अपने आप में स्वयं श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए शर्मनाक होनी चाहिए। और जहां तक भारत की बात है, आज आप देखिए कि वैश्विक जो जितने भी जो बड़े बड़े मुल्कों के जो लीडर हैं, वो आज भारत की अगुवाई के लिए तमाम विषयों पर भारत का विचार जानना चाहते हैं, भारत की की राय के बिना कोई चीज उस पर निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। तो ये तो स्वयं में सिद्ध है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से वैश्विक पटल पर भारत ने अपनी एक धमक बनाई है, एक मजबूत पहचान बनाई है, चाहे वो कोविड महामारी का दौर रहा हो जब सैकड़ों देशों की वैक्सीन पहुंचाकर औषधियां पहुंचा करके भारत ने मदद की, तो भारत एक जो भारतीय संस्कृति है, एक संवेदनशीलता का जहां परिचय दिया, वहां यूक्रेन का और जो रसा का युद्ध है उसमें बड़ी सूझबूझ पूर्ण नीति भी भारत की रही, डोकलाम विवाद रहा हो या अन्य जो समस्याएं आई उसमें जिस तरह से भारत की जो जिस तरह से एक्ट किया भारत ने जी। वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से इस कोविड महामारी के दौर में भी भारत ने इस कोविड महामारी से अपने को बचाया और लोगों की मदद की, और साथ ही इकोनॉमी को जिस तरह से गरीब और कमजोर लोगों की मदद के लिए सरकार खड़ी रही, वो भी सब अपने आप में एक बड़े भारत की जो रीत नीति है उस पर एक ये बड़े गौरव की बात है, और उसको सम्मानजनक ढंग से लोग देखते हैं। और बाहर के बड़े बड़े मुल्क आज इस बात पे आश्चर्य करते हैं कि भारत इतनी बड़ी आबादी के लोगों की ऐसे समय में कैसे मदद कर सका, कैसे उनको चिकित्सा सुविधाएं, वैक्सीनेशन, ये सब चीजें कैसे मुहैया करा पाया। इन बहुत सारी बातों को लेकर के आज वैश्विक धरातल पर जब चर्चा हो रही है जी। तब श्रीमान राहुल गांधी जी अगर इस तरह की बात जाकर के वहां कहते हैं तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हीनता बोध से ग्रस्त हैं जी। और कांग्रेस को अगर वो अपने कांग्रेस पार्टी जिसके वो अध्यक्ष थे और पुनः व्यक्त अव्यक्त रूप से वो कांग्रेस की सत्ता और कमान उन्हीं के हाथ में है जी। उस दल के ही इतिहास को देखें तो जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों का जो फंक्शनिंग रही है, चाहे वो लोकतंत्र को और यहाँ के संविधान को कितना आदर दिया है कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने, ये बहुत स्पष्ट रूप से अगर हम आपातकाल को के साथ साथ और बहुत सारे उदाहरण हैं तो उनको अगर हम ना भी कोट करें तो भी कांग्रेस की जो कार्यशैली रही है वो अपने आप में इस बात को स्वयं सिद्ध करने के लिए रही कि वो संविधान की कितनी और लोकतंत्र की कितनी परवाह करते थे और कितना उसमें भरोसा करते थे। जी बिल्कुल साहू जी, राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के हालात अच्छे नहीं है, हालात की बात करी है तो पाकिस्तान से भी तुलना करते नजर आए, तो क्या पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं, अब उन्हें अच्छा नहीं लगता है भारत, तो क्या उन्हें लंदन और इटली अच्छा लगता है? इस बयान को किस तरह से देखते हैं कि भारत के हालात अब ठीक नहीं है, क्या कुछ बदलाव हुआ ऐसा? देखिए वो उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहना है कि आर्थिक स्थिति की कम जो महंगाई है, भारत की स्थिति पाकिस्तान की तरह है। साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अगर हम भी सुन सके तो भारत जी बिल्कुल हरिश्चंद्र जी, हम बोलेंगे कि आवाज को ठीक करा जाए ताकि आप तक भी पहुंचे। जी साहू जी, भारत की स्थिति पाकिस्तान की तरह नहीं है, भारत की स्थिति श्रीलंका की तरह नहीं है, भारत एक बहुत बेहतर स्थिति में है और उस बेहतर स्थिति के आधार पे आज भारत जो है एक लोकतांत्रिक बेहतर लोकतांत्रिक देश के रूप में पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे लिए डेमोक्रेसी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। अब उसमें उनकी स्टेटमेंट को जो मैंने देखा उसमें देखा कि उन्होंने बहुत सारे ऐसी बात भी कही है कि हमको कांग्रेस पार्टी, उनका हिसाब से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की तैयारी भी वो करना चाहते हैं, और उनकी जो जयपुर में जो उनकी घोषणा हुई कि भारत जोड़ो, तो भारत जोड़ो जो कह रहे हैं तो भारत जोड़े जोड़े उसी में लगे रहे तो बहुत अच्छी बात है जी। कि हर कोई चाहता है भारत को जोड़ा जाए, हर कोई संविधान भी चाहता है भारत को जोड़ा जाए, हर कोई संविधान के द्वारा चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो आते हैं वो भी भारत को जोड़ने की बात करते हैं, द आइडिया ऑफ इंडिया हर कोई बात करते हैं, राष्ट्र को एकजुट करने की बात करते हैं।
तो इसमें कोई बात नहीं है, भारत जोड़ो की बात करते हैं, तो आप बल्कि ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को जोड़ो जी। अपने संगठन को जोड़ो, और संगठन को जोड़ने के लिए उन्होंने बल्कि आरएसएस की बात को उन्होंने उठाया कि आरएसएस एक स्ट्रक्चर के रूप में किस तरह से भारत में एक मजबूत तरीके से संगठनिक रूप में अपने को भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दिया, इसको उन्होंने एक्नॉलेज भी किया, और उसमें ये कहा कि भाई जो उनकी प्रतिशत है, जो उनकी धीरे धीरे मतदान कम हो रहा है, उसमें उनका कहना है कि लगभग 60% उनको वोट नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी को, उनको इकट्ठा करना है और उनको कम्युनिटी को जोड़ना है। कौन मना कर रहा है कि भाई आप इसमें अपने संगठन को जोड़े, अपने संगठन को मजबूत करे, पदयात्रा करे, लोगों के साथ जुड़े रहे, और विपक्ष का जो भूमिका है वो निभाए, और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है उनकी जो नीति नियति जो भी नियम है जो भी कानून है उसमें यदि कोई कमी है उसको उजागर करे, और पार्लियामेंट में विधानसभा में बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया है, बहुत सारे जगह पे आप विरोधाभास का एक स्वर उत्तर का स्वर आगे उठा सकते हैं, इसमें कोई जुराई नहीं है। कौन कहता है कि मीडिया बिक चुके हैं? भाई आप देखिए मीडिया, यदि आप बात करते हैं मीडिया तो राहुल गांधी को भी आप देखिए कि आप उसके बारे में डिबेट हो रहा है और उसकी बातें पूरे सब लोग हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब बातें ना करके जो असली मुद्दे हैं अपनी संगठन को और अपनी विपक्ष की जो भूमिका है, और एक लोकतंत्र में स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत आवश्यकता है, उसकी उसकी एक बहुत सकारात्मक आवश्यकता है, और उसके लिए सरकार के सर हमारे जो लोग हैं जन समुदाय भी चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप में विपक्ष की अपना भूमिका निभाए। मेरे हिसाब से 2009 से 2014 में भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाई है, और उन्होंने अपने आप को साबित किया, और साबित करते हुए 2014 में सत्ता में आए, और 2019 में भी दोबारा आए, और 2024 के लिए वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी बात को लेके हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अपनी बात को रखना, बल्कि ये एक कहते हैं कि एक आप ऐसे स्टेट्समैन, आप एक कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व अध्यक्ष थे, तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी के व्यक्ति और एक भारत के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में है आज की तारीख में उनकी कमियों को ना गिना के भारत में जो पोटेंशियल है भारत के भारतीय समाज की जो भी सारे अपॉर्चुनिटीज है अवसर है और जो बेहतर व्यवस्था की जा सकती है और बहुत सजेशन जो होते हैं बहुत सारे सुझाव हो सकते हैं सकारात्मक सुझाव हो सकते हैं वो बात करेंगे और करना भी चाहिए जी। इससे ये एक बेहतर व्यवस्था होता है जी। हरीश चंद जी, क्या आपको साहू जी की आवाज आ रही है? अब मिल पा रही है आवाज जी? तो अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से राहुल गांधी ने कई बातें कही हैं और एक बात और ये भी कही है कि आज के डिजिटल भारत में ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सारे बयान दिए हैं उन्होंने, भारत की कई कमियां गिनाई हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पहले जैसा भारत चाहती है, तो आज के भारत में क्या कमी है? जिस तरह से भारत डिजिटल हो रहा है, कई चीजों में बदलाव हो रहा है, लेकिन पहले जैसा ही भारत चाहिए राहुल गांधी को? अब पहले जैसा भारत वो कैसा भारत चाहते हैं? आखिर कांग्रेस पार्टी ही तो सत्ता छोड़ के गई थी जब चंद्रशेखर जी को सोना गिरवी रखना पड़ा था, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था पहुंच गई थी, और आए दिन ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लोग हलाकान रहते थे, पीड़ित रहते थे, सैकड़ों लोगों की जाने जाती थी, तो आखिर कौन सा भारत वो उसकी परिकल्पना आखिर जो उनके दिमाग में है उसको रखना चाहिए ना कि कौन सा भारत वो चाहते हैं जी, और उसमें वो क्या योगदान कर सकते हैं, अपने योगदान को भी बतावें। भाई 50-60 साल तो लगातार कांग्रेस पार्टी इस मुल्क में राज करती रही जी। तो क्या अपने सपने को कांग्रेस पार्टी साकार नहीं कर पाई जो राहुल गांधी के लिए छोड़ गई है? और राहुल गांधी का क्या इस देश के लिए इस मुल्क के लिए सपना है? वो कम से कम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे कुछ बात करते तो बात समझ में आती। भारत एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था जी। आप उसको लेकर के कोई बात कहते, भारत को विश्वगुरु कहा जाता था, आप उसको लेकर के कोई बात कहते, भारत के ज्ञान विज्ञान को लेकर के कोई बात कहते, भारत की उदात्त संस्कृति को लेकर के कोई बात करते तो ये समझ में आता। भारत का इतना व्यापक यहाँ का स्पिरिचुअल टूरिज्म है और नेचुरल
आप उसकी कोई बात करते कि वो देश का टूरिज्म बढ़ता, देश का इकोनॉमी बूस्ट करती, कुछ आप ऐसा तो सोचते, भारतीय संस्कृति के गौरव को लेकर के कुछ आप चर्चा करते, तो आपके पास क्या मैंने वो आपके पास ना तो कोई विजन है ना आपकी कोई सोच है कि जिसको आप लोगों को के सामने रख के उनको प्रेरित कर सके। भाई युवा के रूप में राहुल गांधी भी 50 साल के आज एज के आसपास हो गए, आज तक वो दसियों साल से कांग्रेस का नेतृत्व तो उनके पास है, आखिर क्या दिशा दे पाए वो कांग्रेस पार्टी। और जो आदमी कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी जिसका होल सोल है, जिसके सारे निर्णय दस जनपद से होते हैं, उसको कोई दिशा नहीं दे पा रहा है, तो वो तो कहीं ना कहीं स्वतः के बैकूम में जो ग्रस्त है वो चिंता बोध को व्यक्त करता है और उसमें उसका माध्यम दूसरा अपनाता है। अगर आप मनोवैज्ञानिक ढंग से देखें ये तो उनका अपना हीनता बोध है, और यदि वो पॉजिटिव सोच के होते, कोई पॉजिटिव चिंतन होता, कोई दिशा होती उनके पास, कोई दृष्टि होती उनके पास, तो पहले तो कांग्रेस को दिशा और दृष्टि देते और फिर नेशन के लिए अगर कुछ बहुत अच्छा उनके मन में विचार था, विजन था, तो उसको देश दुनिया में ले जाते। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में आखिर सरकार है ना उनकी, राजस्थान में सरकार है ना उनकी, कुछ तो पॉजिटिव करने का आप सोचते। जी बिल्कुल, तो इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये जो बयान दिया है इतने ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद, हर एक मुद्दे उठाने के बाद, कोरोना काल में भी जिस तरह से उन्होंने भविष्यवाणियां करी थी कि हाँ इतने दिन में इतने मामले सामने आएंगे, कई अहम मुद्दे उठाते रहते हैं देश से जुड़े हुए, लेकिन उसके बाद ये जो गलती करी है इसीलिए तो ये चर्चा का विषय बना है। साहू जी, ध्रुवीकरण की बात भी सामने आई है, राहुल गांधी ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है, साथ ही साथ कैरोसिन छिड़क दिया गया है, सिर्फ चिंगारी लगाने की देरी है, इस तरह का बयान भी सामने आया है। बीजेपी कांग्रेस पे, कांग्रेस बीजेपी पे लगातार ध्रुवीकरण का आरोप लगाती है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए इसी बात पे आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विचार को आप देखेंगे तो उन्होंने ये बात बताया है, एक डिबेट हेलो इसमें ये बताया है कि भाई इस ट्रैप में ना पड़े और इस तरह की जो बात कर रहे हैं उसमें ये कहा गया, बीजेपी की मीटिंग जो हुआ था शुक्रवार को अपोजिशन पार्टी, हरिचंद जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अपोजिशन पार्टी सेइंग दैट कि सम पॉलिटिकल पार्टी जो भी है वो छोटे छोटे ऐसी तनाव की बात करते हैं, उसमें हमको उसमें आगे जाना नहीं चाहिए, बात वो नहीं है। बात ये कि पोलराइजेशन एक इशू है, पोलराइजेशन ध्रुवीकरण की जो बात कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की बात मुद्दों को उठाना चाह रहे हैं, लेकिन ध्रुवीकरण परिणामों के आधार पे तो लोगों को लग रहा है कि भाई वोट जब मिल रहा है तो लोग सब दे रहे हैं उनको वोट। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे ये किरोसिन की बात कर रहे हैं तो अब ये है कि तनाव तो जरूर है, बहुत सारे चीजें उनकी बातों पे ये भी झलक रहा है कि जैसे कि उन्होंने कहा कैपिटल जो है, पूंजी जो है, एक मोनोपोली हो रहा है, कुछ निर्दिष्ट उद्योगपतियों को सारे चीज दिया जा रहा है, सारे पोर्ट्स की मालिक बन जा रहे हैं, सारे एयरपोर्ट की मालिक बन जा रहे हैं, उस तरह की उनकी एलिगेशन है, तो सारे एलिगेशन को भी वो एक तरह से उजागर करना चाहते हैं कि किस तरह से कुछ लोगों के पास जो कैपिटल है वो कंसंट्रेट हो रहा है और कहीं ना कहीं ये पार्टी की समर्थन से हो रहा है। तो कहने की बात है, यदि आप देखेंगे किसी भी सरकार में उद्योगपतियों का एक भूमिका होता है और उद्योगपति और जो सुशासन के लिए ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाह और जो लोक प्रतिनिधि है, इन दो तीनों में एक हैंड होल्डिंग होना चाहिए, सब लोग मिल के देश को आगे बढ़ाना चाहिए। तो कहने की मतलब है कि आप निजीकरण को शुरू किए थे, उदारीकरण की बात कर रहे थे, भूमंडलीकरण की बात कर रहे थे, तो उसमें हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हुए हम इसका वो पूरा वो रिवार्ड लेना चाहते हैं कि हमने ये शुरू किया, लेकिन उसी के रास्ते पे तो पूरे भारत को आर्थिक स्थिति में मजबूत करने की बात तो चल रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बताना चाह रहा था कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कांग्रेस सरकार के समय में, यूपीए सरकार के समय में था, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एक्सटेंड किया जा रहा है और उसी के साथ साथ आप आज सत्ता में नहीं है तो आप इसकी बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम तो ये मानते हैं कि उद्योगपतियों का एक सकारात्मक भूमिका समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत सारी जरूरतें हैं और हैंड होल्डिंग की जरूरत है,
ये नहीं है कि उनका डोमिनेंस है, डोमिनेंस है तो डोमिनेंस को सरकार अपने नियंत्रण उसमें रखे, और बात यह है कि यदि आप विपक्ष हैं तो विपक्ष भूमिका निभाए और इसको विधानसभा में और पार्लियामेंट में लोकसभा में इसकी बात को उठाए। बात वो नहीं है, बात यह कि जो अपोजिशन जो विपक्ष की भूमिका है उसमें एक सकारात्मक भूमिका भी देखा जाता है, जैसे कि हमने देखा है पूरे आप उठा के देखेंगे पूरे आजादी के बाद भारत की विपक्ष की भूमिका, उसमें बहुत सारे सुझाव विपक्ष की भूमिका को विपक्ष की सुझावों को सत्ताधारी पार्टियों को उसमें ग्रहण करते हैं लोग, किसी भी ऑल पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाता है जब संसद शुरू होती है, जब लोकसभा की कार्यक्रम होता है, तो इसमें अपनी डिबेट के माध्यम से अपने बहस के माध्यम से अपने सुझाव के माध्यम से हम जनता को भी जागरूक कराएं। विपक्ष की भूमिका यही है कि जनता को जागरूक कराएं, और उसी मुद्दे पे आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी महंगाई को लेके 2009 से 14 में 2004 से 9 में किस तरह से घेर रहे थे भारत यूपीए सरकार को। तो आप भी एक जन समर्थन जुटाइए और जो जो कमियां है उसको आगे उठाइए, उसके साथ साथ लोगों को जागरूक करिए, विरोधाभास का जो स्वर है वो तेज हो और उससे समाज में सरकार को भी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन जो हुआ उसके साथ साथ उस विरोधाभास की वजह से सरकार एवं प्रधानमंत्री जी उन्होंने वापस लिया। ये एक एक सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक झलक है। तो इसको हम मानते हैं कि इंडिया इज अ बिग कंट्री, जिसकी भारत एक ऐसी बड़े राष्ट्र है जहाँ पे लोकतंत्र की रेस्पेक्ट है, डेमोक्रेसी की रेस्पेक्ट है, विरोधाभास की सम्मान है, और उसके साथ साथ कानून जो बना था वो वापस हुआ, उसकी सुधार भी हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कौन सा गुंजाइश कहाँ नहीं है, जब इसी सरकार में उस किसानों की बात को भले ही वो लोग साल भर विरोध किए और विरोध के बाद उनको सुना गया और उसकी रिपील भी किया गया, तो क्या ये लोकतंत्र रहेंगे? ये क्या इट इज नॉट द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी? तो फिर कहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गया? तो मेरे ये मानना है कि हम एक एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में देखना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह से जो हम लोग संवाद कर रहे हैं उसमें जो एक अपोजिशन पार्टी के रूप में सुझाव रिकमेंडेशन और तरह तरह की जो अवसर है उसको बताने की जरूरत थी, और उसके साथ साथ भारत को एक, एक बेहतर उभरता हुआ अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल पावर के रूप में उभरने की जरूरत है। जी बिल्कुल, विपक्ष के तौर पे कांग्रेस है और उसको सभी मुद्दे उठाने का पूरा हक भी है, और उनकी ये इस वक्त की जरूरत भी है कि अच्छे से उठाए सारे मुद्दे, लेकिन मंच सही होना बहुत जरूरी है और मंच का चयन गलत किया है राहुल गांधी ने, इसीलिए शायद हम आज बैठ के चर्चा कर रहे हैं। अगर उन्होंने देश के अंदर ये सारी बातें कही होती, मुद्दे उठाए होते, तो शायद वो अलग परिस्थिति होती और इस वक्त की अलग परिस्थिति है। हरीश चंद जी, जिस तरह से गौरव भाटिया की प्रतिक्रिया भी आई है, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस के मंसूबों को जनता ने केरोसिन छिड़क कर खत्म कर दिया है, तो इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है, बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी ने, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि जो श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरह की बात कही है उनका अपना स्वयं का हीनता बोध है, और वो कह करके वैश्विक धरातल पे अपने को उन्होंने मखौल का पात्र बना लिया, हंसी का पात्र बना लिया है। उनके अगर उनमें लीडरशिप होती, उनके नेतृत्व क्षमता होती, तो आज ये कांग्रेस की ये दुर्दशा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस कहाँ पहुंच गई, शून्य की के पास पहुंच गई। तो ये तो उनके सोचने का विषय है, और ये कहीं ना कहीं ये जो वैक्यूम है उनका, उसके उसकी जो अभिव्यक्ति उन्होंने जिस रूप में की, वो अपने कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी पार्टी संगठन और अपनी नेतृत्व क्षमता की खामियों को दुरुस्त करने के बजाय वो सच का सामना नहीं कर सकते, बल्कि दूसरे पे नेशन के गरिमा महिमा पे उसका दोषारोपण करना चाहते हैं जी। और ये अपने आप में बिल्कुल, साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस पर भी गंभीर नहीं है सरकार, इस पे क्या कहेंगे? इकोनॉमिक क्राइसिस की बात भी कही है, वो भी विश्व पटल पे। मैंने कहा ना कि इकोनॉमिक जो देश की स्थिति है उसके ऊपर भी बहुत सारे अर्थशास्त्री, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अपनी राय रखते हैं, और जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है
उसको लेकर के भी राय रखी जाती है और तमाम वैश्विक धरातल से भी ये बात आती है कि इमर्जिंग अर्थव्यवस्था जो भारत की है ये आने वाले टाइम में सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था होगी, ये भी वैश्विक जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बात कहते हैं जी। अब राष्ट्रीयमान राहुल गांधी जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को लेके सवाल खड़े करते हैं, तो कोई अगर उनके पास अर्थव्यवस्था को लेकर के कोई विजन हो, कोई दृष्टिकोण हो, कोई चिंतन हो, तो उसको क्यों नहीं सामने रखते? वो भी आखिर वो चाहे कांग्रेस पार्टी डूबते जहाज से ही, लेकिन उस जहाज के कैप्टन है और एक बड़ा जहाज है, तो अगर उनके पास कोई विजन होता आर्थिक दृष्टि का, कोई आर्थिक दृष्टि होती तो उसको रखते, और नहीं तो जो उनके रूलिंग स्टेट है वही लागू कर लेते। तो लोगों को समझ में आता कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में या महाराष्ट्र में अपने आर्थिक जो उनका प्लान था, जो आर्थिक उनका विजन था, उसको साकार करने का काम किया। तो ये जो दोषारोपण है ये उनको खुद को कटघरे में खड़ा करता है और उनको निंदा का पात्र बना। जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने देश के लिए कई बातें कही हैं, अगर वो इससे सही अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको राज्यों ने भी नकार दिया है, देश में भी उनका जो पार्टी का वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बार प्रियंका गांधी ने काफी कोशिश करी, उत्तर प्रदेश में एक अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन राहुल गांधी की अगर बात करी जाए तो उनके नेतृत्व को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अध्यक्ष बनने वाले एक बार फिर से पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के, तो उनके नेतृत्व को, अपने नेतृत्व को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है हरीशचंद्र जी? देखिए, ये तो ये इसको किसी के लगने का नहीं, ये तो प्रामाणिक रूप से अगर नेतृत्व आपकी क्षमता है तो आपका आपने संगठन में उधार पैदा करेंगे, संगठन को प्रेरित करेंगे, संगठन में वो स्फूर्ति और चैतन्यता डालेंगे जी। और समाज में, देश में, राज्यों में अपनी स्वीकार्यता बनाएंगे। अगर वो स्वीकार्यता नहीं बन पाती, वो संगठन आप नहीं खड़ा कर सकते, अपने संगठन के लोगों में स्फूर्त उनको नहीं कर सकते, उत्साहित नहीं कर सकते, प्रेरित नहीं कर सकते, तो ये तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये सब चीजें ऐसी नहीं है कि केवल थ्योरेटिकल हो, ये तो आपको प्रमाणित करके देना पड़ता है, नहीं तो क्षमता को प्रूव करना पड़ता और दुनिया उसकी गवाह होती। अगर आप प्रूव करते हैं तो आपके साथ लोग खड़े होते हैं, नहीं प्रूव करते तो इतिहास दिखा जाता है। तो ये जो नेपथ्य में लोग चले जाते हैं, तो ये तो उनकी अपनी नेतृत्व क्षमता को लेकर के ही सवाल है कि अगर नेतृत्व क्षमता होती उनमें वो प्रेरक तत्व तो होते जो अपने संगठन को प्रेरणा दे सके होते, तो आज ये हालत क्यों होती कांग्रेस पार्टी की, जो आज जिस स्थिति में खड़ी है कांग्रेस पार्टी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आज हमारे साथ दो मेहमान हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े थे बीजेपी से और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे डीआर साहू जी जुड़े थे, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो ये मंच चुना है राहुल गांधी ने वो गलत है। अब एक सवाल ये भी है कि काफी आलोचना भी की जा रही है बीजेपी की तरफ से, काफी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से विश्व पटल पे भारत की जो कमियां गिनाई हैं और जो अपना मत रखा है, तो क्या उसके लिए वो माफी मांगेंगे? जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज उठाते रहते, विपक्ष एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी आज भी है, देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है और उसका काम भी है कि जो देश में जरूरी मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, सरकार की कमियां गिनाई जाए, देश में जिन चीजों की जरूरत है सरकार को उसका आभास दिलाया जाए, लेकिन इन सबके बावजूद अगर वो अपनी बातें देश में नहीं विदेश में जाके कहते हैं, वहां जहां देश की एक अलग और अच्छी छवि बनाने की जरूरत है, जहां दुनिया के सामने भारत की एक अलग गौरवान्वित छवि बन रही है, अगर वहां पे राहुल गांधी इस तरह की बातें कहते हैं तो ये जरूर उनके प्रतिभा पे सवाल उठाता है कि क्या उनका ये कदम सही था, क्योंकि उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर आवाज दबा रही है तो क्या वो अपनी आवाज को बुलंद करने विदेश गए थे? वो कई बातें कर सकते थे, किस तरह से भारत ने कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था संभाली है, भारत एकजुट कैसे हुआ, भारत की एकता, आत्मनिर्भर भारत, कई चीजों पे बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कमियां गिनाई है, तो ये एक चर्चा का विषय बना कि आखिर क्यों आप अगर किसी एक पार्टी की बुराई करते, किसी एक व्यक्ति की बुराई करते, लेकिन देश को बीच में नहीं लाना चाहिए था, कहीं ना कहीं देश के गौरव पर भी चोट पहुंचाई है। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।